नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। कोरोना महामारी की दूसरी लहर अपने पीक पर है। हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि कोरोना की चेन कब टूटेगी, कब इसका सैचुरेशन टाइम आएगा। हालांकि देश के तमाम वैज्ञानिक इसकी रिसर्च में जुटे हुए हैं। इसी बीच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जूलॉजी विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने यह दावा किया है कि 2 से 3 हफ्तों में कोरोना की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगेगा और संक्रमण की चेन भी टूटेगी। अब समझते हैं प्रोफेसर साहब का गणित कैसे निकला। उन्होंने ये समय न्यूज 18 हिंदी में छपी खबर के अनुसार प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि बनारस में संक्रमण की स्थिति देखी जाए तो 2-3 चीजें काफी हद तक साफ है। जो रिकवरी रेट 15 अप्रैल को 20% के आसपास था, वह पिछले 4-5 दिनों में 80% तक चला गया है। इस तरह से रिकवरी रेट में 4 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक जितने वैक्सीनेशन हुए हैं या इन्फेक्शन हुए हैं और जो लोग एंटीबॉडी कैरीज भी कर रहे हैं, सभी को काउंट करें तो इन सभी को मिलाकर वाराणसी में लगभग 5 लाख से ऊपर पॉपुलेशन इस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी ले चुकी होगी। अगर इन आंकड़ों को माने तो लगभग 40 से 50% लोग जब इन्फेक्टेड होते हैं तो वायरस के संक्रमण दर घट जाएगी और वायरस की चेन भी टूट जाएगी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अगले 2 से 3 सप्ताह में इन्फेक्शन का नंबर सैचुरेशन लेवल तक पहुंच जाएगा और फिर केस भी कम आएंगे। उन्होंने आगे बताया कि नए केसेस कम आने लगेंगे क्योंकि वायरस को कैरियर नहीं मिलेगा। हालांकि उन्होंने लोगों को भी सावधान किया कि अभी किसी भी तरह की ढिलाई खतरनाक हो सकती है। उन्होंने लोगों को टीका लगवाने और प्रोटोकॉल का अनुपालन करने की सलाह भी दी ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके।